ज्वालामुखी मंदिर में तीसरे नवरात्रि को श्रद्धालु लाइनों में लगकर मां ज्वाला की ज्योति के दर्शन कर रहे हैं और जयकारे लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी नजर आ रही है। मंदिर अधिकारी ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में दूसरे नवरात्रि को श्रद्धालुओं के द्वारा कुल चढ़त 4,44,791 रुपए सोना 12 ग्राम 200 मिलीग्राम और चांदी 408 ग्राम श्रद्धा के रूप में ज्वाला माँ के चरणों में अर्पित किए गए। पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने बताया कि आज हिंदू संस्कृत में नवरात्रों का बहुत महत्व होता है। ज्वालामुखी मंदिर में तीसरे नवरात्रे को परिवार सहित अपनी कुलदेवी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और देश और प्रदेश वासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मां के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि माता सभी के परिवारों में खुशहाली लेकर आए, हमारा देश और प्रदेश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। पुजारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि नवरात्रों के 9 दिनों में 9 रूपों में मां का पूजन किया जाता है। आज तीसरा नवरात्रा है और चंद्र घंटा के रूप में मां ज्वाला का पूजन किया जा रहा है। चंद्र घंटा मां गौरी का सुहागिन का रूप है। उनके मस्तिष्क पर चंद्र विराजमान है। विशेष रूप से हृदय रोग से परेशान सभी लोग चंद्र घंटा माता की उपासना करें, उनको भरपूर फायदा मिलेगा। ये देवी सभी को बर देने वाली है। ज्वालामुखी में सुबह से मौसम खराब है, काले बादल छाए हैं और मौसम बड़ा सुखमय और आनंदमय है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बड़ा अलौकिक दृश्य बना हुआ है। उसके बावजूद भी ज्वालामुखी मंदिर आए हुए श्रद्धालु लाइन में लगकर दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ज्वाला माँ से प्रार्थना करेंगे कि ज्वाला माँ अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी नजर आ रही है। दिल्ली से आए हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि तीसरे नवरात्रे में ज्वालामुखी मंदिर में दर्शनों के लिए आए हैं और मौसम बहुत अच्छा है। मंदिर प्रशासन का बहुत बहुत अच्छा इंतजाम है, हमको दर्शन करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। श्रद्धालु ने बताया कि नवरात्रों का तीसरे दिन में मंदिर में दर्शनों के लिए आए हुए हैं और दर्शन करके बहुत आनंद आ रहा है। वहीं प्रशासन के द्वारा किए गए इंतजाम भी बहुत बढ़िया है। ऑस्ट्रेलिया से आए हुए श्रद्धालु ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी श्रद्धालु लाइनों में लगकर दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से आए हुए महिला श्रद्धालुओं ने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, अपने बेटे का मुंडन करवाने के लिए आए हैं। प्रशासन का बहुत बढ़िया इंतजाम किया हुआ है, हम प्रशासन का बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें दर्शन करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। महाविद्यालय केंद्रीय छात्र संगठन का शपथ समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश शर्मा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर प्राचार्य राकेश शर्मा ने कहा कि सीएससीए महाविद्यालय को विकासात्मक कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सीएससीए महाविद्यालय के विद्यार्थियों और महाविद्यालय के प्रशासन के बीच सेतु की तरह कार्य करती है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय केंद्रीय संगठन का शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए गठन किया गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य राकेश शर्मा ने सीएससीए के अध्यक्ष पद के लिए रजत शर्मा, उपाध्यक्ष पद के लिए मानसी, महासचिव पद के लिए मधु देवी व सह सचिव पद के लिए दिया देवी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीएससीए के मनोनीत पदाधिकारियों व सदस्यों ने केंद्रीय छात्र संघ के संविधान के प्रति सभी नियमों का पालन करते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के प्रति अपने कर्तव्यों एवं दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि जो भी समस्या कॉलेज प्रशासन तक सीएससीए संघ द्वारा पहुंचाई जाएगी, कॉलेज प्रशासन द्वारा उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इस शपथ समारोह में कॉलेज के प्रोफेसर व छात्र छात्राएं मौजूद रहे।